गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट, आज मैं आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 5 वुमन चेंज द वर्ल्ड, वुमन वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, ये रीड करवा रहे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमन्स वर्क इन होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या देखा था, जो वुमन्स है वो वर्क करती है, जो भी महिलाएँ घर पे जो भी वर्क करती है उसे वर्क नहीं कहा जाता। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगन्स एंड एंड। प्रीवियस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो भी घर के काम रहते हैं, टेकिंग केयर रहती फैमिली की मेम्बर की, वो एक फुल टाइम जॉब है। उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं थी, कितने घंटे ही महिलाएं काम करेंगी, कब इसकी शुरुआत होगी और कब इसका एंड होगा। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन फॉर वुमेन। अब इस चैप्टर में हम बाहर के कुछ घरे कामों के बारे में पढ़ेंगे कि किसके लिए सुटेबल है, क्या वो मैन के लिए सुटेबल है या वुमन्स के लिए सुटेबल है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमन स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो अपनी समानता के अधिकार के लिए किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटी वर्स क्रिएटेड फॉर वुमन। इसके बाद जो भी एजुकेशन हो गई और जो भी अपॉर्चुनिटी वुमन को मिलती है वो किस तरीके से मिलती है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ इफर्ट मेड बाय द वुमन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर। पुराने वर्षों से लेकर आज तक क्या क्या वुमन्स ने भेदभाव झेले हैं और उसके लिए उसने क्या स्ट्रगल किया है, ये सब भी अपन पढ़ेंगे। Fewer opportunity and rigid expectation. A lot of the children in Rosie Mae's class draw women as nurses and men as army officer. बहुत सारे जो बच्चे हैं कौन सी मैम के, रोजी मैम के, वो क्लास में ड्रॉ कर रहे थे कि वुमन को नर्सेस के रूप में और मैन को आर्मी ऑफिसर के रूप में। द रीज़न दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमन्स आर गुड एट ओनली सर्टन जॉब्स। मतलब वो इस तरीके से क्यों ड्रॉ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो वुमन अगर घर के बाहर, महिलाएं अगर घर के बाहर नौकरी करेंगी तो वो यही पैसे को अपनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमन मेक बेटर नर्सेस। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो वुमन्स रहती है वो अच्छी नर्स रहती है बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल, क्योंकि वो अच्छे पेशेंट को देख सकती है और जेंटली बिहेव करती। दिस इज़ लिंक टू वुमन रोल विथ इन द फैमिली। ये वुमन्स के रोल से एसोसिएटेड था क्योंकि उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर अ टेक्नोलॉजी माइंड एंड गर्ल एंड वुमन आर नॉट कैपेबल फॉर डीलिंग द टेक्निकल थिंग। क्योंकि ये क्या बिलीव करता था कि जो भी गर्ल्स और वुमन है आर्मी ऑफिसर के रूप में ये सब चीज़ों से नहीं कर सकती। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टेरोटाइप, क्योंकि कुछ लोग रूढ़िवादिता, स्टेरोटाइप मतलब रूढ़िवादिता में विश्वास करते थे। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। कुछ गर्ल्स को इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता कि लड़के आसानी से क्या कर सकते, ट्रेन कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, लेकिन लड़कियों को इस तरीके सपोर्ट नहीं मिलता। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल फिनिश स्कूल, कई जगह पर गर्ल्स का स्कूल ख़त्म होता है, दे आर इनकरेज बाय देयर फैमिली टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। कुछ लोग उनको इनकरेज करते हैं कि आप फैमिली के लोग उनको इनकरेज क्या करते हैं कि आप शादी कर दी जाए और उनका मेन एम क्या रहता है लाइफ में, इसी चीज़ का रहता है।
It is important to understand that we live in society in which all children face pressure from the world around them. हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सारे चिल्ड्रन कहीं ना कहीं कुछ फेस करते हैं प्रेशर बड़ों का. समटाइम्स दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट. एट अदर टाइम दे कैन जस्ट बी बिकॉज अनफेयर टीजिंग बाय ओन फ्रेंड. कभी कभी ये किसके द्वारा हो जाता है, फ्रेंडों के द्वारा भी टीजिंग हो जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है. बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी. बॉयज़ को क्या प्रेशर रहता है कि वो एक अच्छी सी जॉब करे जिसमें उसको सैलरी ज़्यादा मिले. दे आर ऑल्सो टीज एंड बुल्ड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज. यू मे मेम्बर दैट इन यूअर क्लास सिक्स बुक यू रीड अबाउट हाउ बॉयज एट एन अर्ली एज एट इनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर. बॉयज़ को ये बोला जाता है कि आप किसी और के सामने रोएंगे नहीं, रोना आपका काम नहीं. ये आपने क्लास सिक्स में पढ़ा था. भाई छोटी सी स्टोरी पढ़ा देती हूँ आपको. माय गुडनेस जेवियर विथ हैप्पी विथ रिजल्ट ऑफ क्लास टेंथ बोर्ड. जेवियर बहुत अच्छा खुश था क्योंकि उसके क्लास टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था. थ्रो हिज मार्क इन साइंस एंड मैथ्स वर नॉट हाई. उसके जो मार्क्स थे वो साइंस और उसमें ज़्यादा नहीं थे मैथ्स में. ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट. उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था उसने हिस्ट्री लैंग्वेज इन सब में टॉप किया था. जब उसके पेरेंट्स के पास उसको रिपोर्ट कार्ड दिखाने ले गया तो उन्होंने क्या कहा, ये देखो ये फोटो में बताया गया है. माई गॉडनेस जेवियर यू हैव मैनेज ओनली 65 इन मैथ्स. यूअर मार्क इन फिजिक्स आर लो टू. मतलब वो भगवान जेवियर तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो मैथ्स में 65 है और फिजिक्स में बहुत ही कम है. आई नो मम्मा. जेवियर क्या बोलता है, आई नो मम्मा बट इट इज़ ओके बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक मैथ्स आर साइंस. आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री. पर मम्मा मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे हिस्ट्री और क्या पसंद है, मेरे को हिस्ट्री करना पसंद है, हिस्ट्री में पढ़ाई पसंद है लेकिन मैथ्स और साइंस नहीं पसंद है. ठीक है. Why do you want to take history? फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो. Think about your future. अपने फ्यूचर के बारे में सोचो. You have to get a good job. तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी. History will not help. It has no scope. History तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगी, इसमें कोई स्कोप नहीं है. But I don't like maths or science. पर उसको वो क्या बोलता है, मुझे मैथ्स और साइंस नहीं पसंद है. बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड. बी सेंसिव समझ कि तुम दिमाग से काम लो, तुम्हें मैथ्स लेना है और स्टडी करना है कंप्यूटर साइंस की. द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड. जो जॉब मार्केट रहता है कंप्यूटर का वो बहुत अच्छा है. ठीक है. तो इस स्टोरी में आपने क्या सीखा कि उसके बच्चों को उसके माता पिता क्या कह रहे हैं कि आप हिस्ट्री मत लो, मैथ लो. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाकी का मैं आपको क्लास में रीड करूँगी.